हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डबल ए वैद्य ज्ञान केडी पर। और आज का हमारा टॉपिक है हेमेटेनिक्स। और फ्रेंड्स, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो उसके साइड में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हेमेटेनिक्स। और फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि हमने एक नई थीम निकाली है अपनी वीडियोस के थ्रू कि आप हमारी वीडियो को पूरी तरीके से वॉच कीजिए और हम उसी अपनी फार्मेसी से रिलेटेड कोई आपको एक एंड में क्वेश्चन देंगे और आप उसको सोल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि उसका आंसर क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स क्या है? हेमेटेनिक्स एक तरीके की ड्रग है, कहना जो ट्रीटमेंट, जो अनीमिया, एक हमारे ब्लड में डिजीज हो जाती है उसको, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हेमेटेनिक्स जो एक ड्रग है उसको दी जाती है। कहना मतलब कि कहने का, जैसे अनीमिया मान लीजिए, जैसे हमें फीवर हो गया तो उसके लिए पैरासीटामोल, ये कहना हेडेक हो रहा है अगर जो मैं तो डिस्प्रिन। इसी तरीके से जो अनीमिया रोग है, जो हमारे अनीमिया डिजीज है, जो हमारे ब्लड ब्लड में कहना ब्लड को इफेक्ट करता है, यानी कि हमारे ब्लड में हो जाता है अनीमिया रोग डिजीज, तो उसको ठीक करने के लिए हम हेमेटेनिक्स ड्रग्स का यूज करते हैं। सो अब हम लिखते हैं कि हेमेटेनिक्स की डेफिनेशन क्या है। अब हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं याद करने के लिए? हेमेटेनिक्स आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। मतलब कि जब जो अनीमिया रोग है वो हमारे ब्लड को फॉर्मेशन रोक देती है, बहुत से मतलब कि अनीमिया आठों तरीके से हमारे ब्लड को इफेक्ट करती है, वो हम अभी आगे बताएंगे आपको। तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। हेमेटेनिक्स आर सब्सटेंस रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। सिंपल सी डेफिनेशन है कि याद करने के लिए क्या है, हेमेटेनिक्स एक ड्रग है जो अनीमिया डिजीज को हमारे ब्लड, जो हमारे ब्लड में हो जाती है उसके लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए हम हेमेटेनिक्स का यूज करते हैं। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्लासिफिकेशन, अब आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, मतलब कि अनीमिया हमारे ब्लड में किस किस तरीके से हो सकता है। सो अब हम, हमारा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया में सबसे पहला पॉइंट है माइक्रोसाइटिक अनीमिया। सबसे पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? माइक्रोसाइटिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक अनीमिया। सो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है? माइक्रोसाइटिक अनीमिया। सो इस जो ये अनीमिया हमारा ब्लड में अंदर, ब्लड के अंदर जो ये डिजीज हो जाती है, तो जो इसका एक क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से होता है? माइक्रोसाइटिक अनीमिया। इसका मतलब है कि जो हमारी आरबीसी है उसका जो नॉर्मल साइज रहता है उसके नॉर्मल साइज से आरबीसी को और स्मॉलर कर देना। जैसे कि आरबीसी का नॉर्मल साइज 7 माइक्रो ऐसा समथिंग होता है, तो उससे 7 से कम कर देना, वो कहीं आएगा हमारा माइक्रोसाइटिक अनीमिया में। सेकेंड पार्ट है इसका मिक्रोसाइटिक अनीमिया। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स मिक्रोसाइटिक अनीमिया में? इसमें होगा जो हमारी रेड आरबीसी है, जो हमारी आरबीसी है वो
क्या होगी, अपनी नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाएंगी, यानी कि और बिग हो जाएंगे अपनी नॉर्मल साइज से। ये हो जाएगी हमारी माइक्रोसाइटिक अनीमिया। उसके बाद में अब हमारा अगला पॉइंट आएगा हेमेलाइटिक अनीमिया। फ्रेंड्स ये जो अनीमिया रोग है अपने ब्लड ग्रुप ब्लड में केवल आरबीसी को ही इफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स को ही इफेक्ट करता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल ये हमारा क्या कर रही है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन और हमारे ब्लड को रेड करने का काम भी आरबीसी कर रही है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो उसको इफेक्ट करती है हमारी जो ये अनीमिया डिजीज है, वो केवल आरबीसी को ही इफेक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे ब्लड के अंदर। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, हेमोलाइटिक अनीमिया। हेमोलाइटिक अनीमिया, हेमोलाइटिक अनीमिया में क्या होगा, जो हमारा हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो हमारा ब्लड आरबीसी है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, हमारी लॉन्गेस्ट बोन में। लॉन्गेस्ट बोन का है हमारी फीमर, उसके जो हेड पार्ट है यानी कि अपर जो पार्ट है उसका, वहां पे हमारी आरबीसी बनती है। सो इसमें क्या होगा हेमोसाइटिक अनीमिया में, इसमें जो हमारी आरबीसी है उसका साइज भी सेम रहेगा और जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो भी सेम रहेगी, पर लेकिन जो उसका हमारी फीमर में अपर साइड में जो हमारी आरबीसी फॉर्म हो रही है वहां पे क्या होगा, हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन, जो हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो जब आरबीसी का इंक्रीज हो जाएगा हमारे ब्लड में, तो यानी कि वो भी हमारे लिए एक डिजीज है, क्योंकि हमारी बॉडी जैसे हमने वाटर पिया, पानी पिया हमने, तो हमने हमने कहा कि हमने 1 लीटर पानी लिया, पर लेकिन जितना हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो उतना ही तो यूज करती है, बच्चे को चाहो कहने वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकाल देती है। ऐसे ही जो आरबीसी है वे हमारे ब्लड के लिए कुछ, मतलब कि जितने ब्लड के लिए जितनी आरबीसी चाहिए उतनी तो चाहिए। अब यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है इसी वजह से, और यहाँ पे भी जो हेमोसाइटिक अनीमिया है इसमें क्या होगा, जो ब्लड हमारी आरबीसी फॉर्म हो रही है फीमर के अपर साइड में, वहां से हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हेमोसाइटिक अनीमिया। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया में क्या होगा, इसके फोर्थ पॉइंट में सिकल सेल जो अनीमिया है इसमें होगा, जो हमारा आरबीसी है वो बायकॉनकेव शेप की रहती है, तो सिकल सेल अनीमिया हो जाने के कारण जो हमारी सिकल सेल्स है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में सिकल सेल्स यानी कि कुछ खिंची हुई सी होती है, जो खिंची मतलब कि हमारी एक तरीके से इस जो ये वाला पॉइंट है सिकल सेल अनीमिया में, जो हमारी आरबीसी की शेप है, आरबीसी की डेफिनेट शेप क्या है हमारी, बायकॉनकेव, बायकॉनकेव शेप है, तो बायकॉनकेव शेप से सिकल सेल जैसी शेप ले लेना वो सिकल सेल अनीमिया है हमारी आरबीसी के अंदर। अगला पॉइंट है मैग्लोबुलोब्लास्टिक अनीमिया। मैग्लोबुलोब्लास्टिक अनीमिया, अब जो ये मैग्लोबुलोब्लास्टिक अनीमिया है इसमें जो हमारी आरबीसी है, जो हमारी आरबीसी है वो मैच्योर नहीं होगी, वो इनमैच्योर जाएगी, कहना मैच्योर इनमैच्योर का क्या मतलब है, जो हमारी आरबीसी है जब वो फीमर के अंदर प्रेजेंट रहती है वो इनमेच्योर रहती है, क्योंकि उसके अंदर वहां पर न्यूक्लियस रहता है, और जब वो फीमर से बाहर निकल के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है आरबीसी, तब
तब वो मैच्योर हो जाती है, उसका न्यूक्लियस नहीं रहता। क्योंकि हमने अपनी पहली वीडियो में भी जब आरबीसी के बारे में बताया था, तो हमने उसके जो पॉइंट लिखाए थे उसमें लिखा बताया था कि जो हमारी आरबीसी है उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता। सो फ्रेंड्स, जो हमारी मैग्रीमेबल अनीमिया है, इसमें जो हमारी आरबीसी है वो इनमेच्योर ही रहेगी, मैच्योर नहीं होगी, क्योंकि कि इसमें कहना डिफिशियंसी विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब इससे अगला हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया में क्या होगा, जो हमारी इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो हमारी विटामिन बी है, आरबीसी जो बोन मैरो है उसमें आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा। और वो किस कारण होगा, वो भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण ही होगा। ये क्या है, पर्नीशियस अनीमिया। और इसका जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होगा, हमें कहना आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में अपन कहना हमें सीधे ही समझ जाना चाहिए, आयरन लॉस ऑफ आयरन, लॉस ऑफ आयरन कहना आरबीसी में आयरन का लॉस डिफिशियंसी हो जाना आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो था हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स एक ऐसी ड्रग है जो एनीमिया रोग जो हमारी आरबीसी के अंदर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम हेमेटेनिक्स यूज करते हैं। अब जो हेमेटेनिक्स है कना जो हमारी अनीमिया सॉरी जो अनीमिया है वो इसी तरीके से हमारे ब्लड के अंदर हो आरबीसी के अंदर हो सकती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी हेमेटेनिक्स है हमारे कोर्स में कुछ उसके एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए हैं, जो हेमेटेनिक्स मेडिसिन यूज की जाती है उनके रूप में। सो फ्रेंड्स, अब हम वे देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके जो हमारे फार्मेसी के कोर्स में दिया है वो है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट, ये हमारे कोर्स के अंदर दो एग्जांपल इसके दिए गए हैं। सो अब हम सबसे पहले देखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, FeSO4, FeSO4 इसका फॉर्मूला होगा। अब इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसका प्रिपरेशन मेथड है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन में है इसका, व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 इन इट फॉर्म FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम इसकी रिएक्शन करके दिखाएंगे आपको, इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, Fe+H2SO4 Fe+H2SO4 एरो FeSO4+H2, ये इसका फेरस सल्फेट का प्रिपरेशन मेथड। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, प्रॉपर्टीज क्या होंगी।
प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? तो सबसे पहले आएगी इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में होगा इट इज अ ग्रीन क्रिस्टलाइन पाउडर, ये एक तरीके का ग्रीन क्रिस्टलाइन पाउडर है। एंड इट इज सोल्यूबल इन वॉटर, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके यूजेस क्या है? यूजेस हैं इसके, इट इज यूज हेमेटेनिक्स इन ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इट इज ऑल्सो यूज टू डायलूट फैब्रिक एंड टेनिंग लेदर। फ्रेंड्स ये हमारा फेरस सल्फेट कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा ये फेरस ग्लूकोनेट में क्या होगा? फ्रेंड्स जो हमारा ये फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस ग्लूकोनेट फेरस ग्लूकोनेट का फॉर्मूला क्या है? C12H24FeO11, C12H24FeO14 (2H2O)। ये फेरस ग्लूकोनेट का हमारा फॉर्मूला है। फेरस ग्लूकोनेट की हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सीधा अब हम इसके प्रॉपर्टीज पे आएंगे। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? इट इज अ येलो, वो जो हमारा फेरस सल्फेट था वो ग्रीन कलर का ना, वो ग्रीन क्रिस्टलाइन पाउडर था, ये येलो क्रिस्टलाइन पाउडर है। और ये भी कना सो इजीली सोल्यूबल इन वाटर बट लेस सोल्यूबल इन एल्कोहल। और इट इज यूज्ड इंडिपेंडेंट ऑफ कहना, ये कहीं में यूज होगा, ये अनीमिया रोग में जो हमारा आयरन डिफिशियंसी वाला था उसके लिए ये वाला हमारा ये वा फेरस ग्लूकोनेट की मेडिसिंस यूज होंगी। सो फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक क्या था? हेमेटेनिक्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहीं पे ही खत्म हुआ, आज का टॉपिक। फ्रेंड्स हमारे आज के टॉपिक का कहना है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। फ्रेंड्स अगर जो आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर जो आपको हमारी वीडियो आपके थोड़ी सी भी काम की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अब हम आपको आज की क्यूरी बताने जा रहे हैं कि आज की आपके लिए क्यूरी क्या है। फ्रेंड्स आज की आपकी क्यूरी है कि आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ फेरस ग्लूकोनेट आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फेरस ग्लूकोनेट का प्रिपरेशन मेथड की रिएक्शन आपको हमारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो उसके साइड में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।